नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट लंकावी स्काईस्केप और केबल कार, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी ट्रैवलर राकेश आचार्य। और हाँ, लंकावी में कोई भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और मैं ठहरा हूँ चेनांग बीच के पास, तो वहाँ से मुझे केबल कार आने के लिए या तो मैं स्कूटर हायर कर सकता हूँ, या तो कार रेंट पे ले सकता हूँ, या टैक्सी, और आखिरी है ग्रैब। मलेशिया में आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना हो, ग्रैब इज़ बेस्ट वे, तो मैं करूँगा ग्रैब। और मैंने जब भी चेक किया है उसका, मेरे को चेनांग बीच से केबल कार तक का 24 रिंगिट किराया होता है। तो आइए बैठते हैं ग्रैब में। और ये लीजिए, लेस देन 30 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, आइए चलते हैं अंदर। यहाँ की टिकट की बात करें तो आप के लुक से या फिर पेनोरमा लंकावी, जो कि यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से ऑनलाइन ख़रीद सकते हो या तो फिर ऑफलाइन यहाँ पे आके। मैंने पसंद किया है ऑफलाइन वाला ऑप्शन। ये है यहाँ का फर्स्ट लुक, सुबह का समय है और ब्रेकफास्ट हमने होटल में ही कर लिया था। अभी हम टिकट काउंटर की ओर जा रहे हैं और ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है रेट चार्ट। मैंने पसंद किया है बेसिक पैकेज, एडल्ट के लिए 70 रिंगिट और चाइल्ड के लिए 50 रिंगिट। यहाँ पे एक्सप्रेस लाइन का भी ऑप्शन है, जिसमें एक्स्ट्रा 50 रिंगिट दे के आप लाइन को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो ख़रीदना बेवकूफ़ी है। इस टिकट काउंटर से हमने टिकट ले लिया है, तो आइए अब खड़े रहते हैं क्यू में। मुश्किल से 5-10 मिनट हम क्यू में खड़े रहे और ये लीजिए, हमारा नंबर आ गया। यहाँ पे ये बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है शाहरुख खान की मूवी डॉन में कुछ यहाँ के सीन है। यहाँ पे ये बाइनोक्यूलर भी रेंट पे मिलते हैं, एक का रेंट है 8 रिंगिट। पूरे शिस्तबद्ध तरीके से सबको केबल कार में बिठाया जाता है, ज़रा भी धक्का मुक्की नहीं। एक केबल कार में मैक्सिमम 6 लोग बैठ सकते हैं। और ये लीजिए, आ गया हमारा टर्न। और ये लीजिए, हमारी राइड स्टार्ट हो गई। दिस इज स्टीपेस्ट केबल कार राइड ऑन अर्थ एंड टेक विजिटर्स अप टू 708 मीटर एबव सी लेवल टू लंकावीज सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट मचिनचांग, वेयर द व्यूज ऑफ सराउंडिंग आइलैंड इज सिंपली ब्रेथ टेकिंग। सामने आपको एक वाटरफॉल दिख रहा होगा जिसका नाम है 7 वेल्स। कुछ टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। और ये लीजिए, पहला व्यू पॉइंट आ गया है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद केबल कार से जाएंगे दूसरे व्यू पॉइंट पे। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ से 360 व्यू।
अभी हम जा रहे हैं केबल कार में बैठ के दूसरे व्यू पॉइंट की ओर, और जहाँ पे है स्काई ब्रिज, द लॉन्गेस्ट फ्री स्पान एंड कर्व ब्रिज इन द वर्ल्ड। और ये देखिए स्काई ब्रिज का व्यू दूसरे एंगल से। अब स्काई ब्रिज पे जाने के लिए यहाँ से अलग टिकट लेना पड़ेगा। स्काई ब्रिज बाय नेचर वॉक 5 रिंगिट है और स्काई ब्रिज बाय स्काई ग्लाइड 15 रिंगिट है। हम जाएंगे नेचर वॉक के थ्रू। और ये देखिए स्काई ग्लाइड कुछ इस प्रकार का होता है। और ये लीजिए 10-15 मिनट की नेचर वॉक के बाद हम आ गए हैं स्काई ब्रिज पर। स्काई ब्रिज देखने के बाद नेचर वॉक के थ्रू अभी हम जा रहे हैं केबल कार स्टेशन पे। केबल कार के स्टेशन के पास भी व्यू पॉइंट बनाया है, तो यहाँ से देखिए स्काई ब्रिज का व्यू। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लव लॉक भी दिखेंगे। अब हम केबल कार के थ्रू जाएंगे बिल्कुल नीचे और देखेंगे दूसरे अट्रैक्शन। ये लीजिए हम आ गए हैं बिल्कुल नीचे। यहाँ पे है ये सुवेनियर शॉप। यहाँ पे केबल कार और स्काई ब्रिज के बाद मेजर अट्रैक्शन है 3D आर्ट म्यूज़ियम। तो आइए देखते हैं। टिकट तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक पैकेज में शामिल है। जूते सूर एक में ही रखने पड़ेंगे। बेसिक पैकेज में नेक्स्ट एक्टिविटी है स्काई रेक्स।
तो आइए देखते हैं। ये कुछ 3D शॉर्ट मूवी जैसा था। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्काई डोम। बेसिक पैकेज के सभी अट्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। स्काई रेक्स और स्काई डोम में कुछ खास नहीं था, पर पैकेज में शामिल था तो देख लिया। अभी बजे हैं दोपहर के 2। अभी इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे और करेंगे लंच। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे और किसी फ्राइडे को रात को 8 बजे। तब तक खाइए, पीजिए, घूमिए, फिरिए और जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आओ जो, गुड बाय।